हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट्स उड़ान। सो मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड रहेगी। सो इंडियन टेरिटरियल आर्मी का एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है, एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। सो इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आर्मी का ऐसा है कि आर्मी में एक एज ब्रैकेट होती है, लेकिन ये एक तरह की ऐसी आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है जिसमें एज जो है मतलब एज का ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। जैसे कि आप सभी को पता है जो इंडियन आर्मी एक काफ़ी अच्छी, जिसको हम जॉब मान सकते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विंग द नेशन प्राउड वाली जॉब होती है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है इंडियंस मेल या फीमेल, और एज ब्रैकेट जो है 18 to 42 ईयर्स मांगी हुई है। तो इसमें क्या रहता है कि सारे जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स होंगे जो 23 24 के ऊपर जा चुके हैं और वो किसी आर्मी में जाने के एज ब्रैकेट से बाहर हो गए हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और एक सेकेंड इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि जो भी इस चीज़ को भरना चाहता है वो एक ग्रेजुएट हो। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो 12 मेल एंड 1 फीमेल की वैकेंसी है। बाकी फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए, वो तो आर्मी की मेन होता ही है। बाकी रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो 25 सितंबर 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होगी वो ऑनलाइन रहेगी। इंडियन आर्मी की जो हमारी वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ पे रहती है इसकी। और बाकी सेंटर्स एग्जामिनेशन के आप अपने हिसाब से वीडियो पॉज करके देख सक रहे हैं। आप उस हिसाब से, बाकी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम रहता है उसमें रीजनिंग, मैथ, GK और इंग्लिश का पोर्शन रहता है। ये दो पार्ट्स में होता है, जैसे NDA का पेपर होता था ना पहले कि दो पार्ट्स में होता है, वैसे सेम पैटर्न पे ये भी है कि दो पार्ट्स में होगा। दो पेपर, 2 घंटे का एक सुबह का टाइम पेपर होगा जिसमें रीजनिंग और मैथ आएगा, और शाम के टाइम 2 घंटे का एक और पेपर होगा जिसमें GK और इंग्लिश आएंगी। तो ये रहता है बेसिक। बाकी सिलेबस जो है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और सिलेबस के बाद हमारा सेकेंड राउंड होगा फिजिकल। तो फिजिकल में ना एज सच कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिजिकल में इसमें मेन वही है, फिजिकली एंड मेंटली इन्होंने वो बताया, फिट होना चाहिए। तो कुछ हो सकता है इसके हिसाब से। जैसे एक रेलवे में टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक, और एक होता है फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें एक हम वेट कैरी करके कुछ मीटर्स तक दौड़ना होता है। तो हो सकता है कि इसमें भी वो वैसा ही तरह का कुछ टेस्ट करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो ये अपने हिसाब से वो अगली चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि आपको फोकस करना है प्री पे। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दी। बाकी इसमें एग्जामिनेशन फीस जो है वो रहती नहीं है। बाकी अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब पोस्टें रहती हैं, और जो इसमें सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। मेरा मेन वीडियो बनाने का यही था कि जो लोग इंडियन आर्मी से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।